हेलो एवरीवन, हाय, गुड आफ्टरनून। मैं रागिनी कुमारी अपने ब्लॉग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ, मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। गाइस, तो आज मैं आई हूँ, आप लोग गेस करके बताइए मैं कहाँ आई हूँ। वैसे आप लोग सब जान पहचान ही रहे हैं कि मैं कहाँ आ गई हूँ। और मैं आई हूँ मम्मी के घर, क्योंकि आज मेरे घर पे कोई नया मेंबर फिर से आ रहा है। मतलब कौन आ रहा है थोड़ी देर बाद बताएंगे, अभी तो पूरी तैयारी हो रही है, खाना वाना भी बन रहा है और बन रहा है आज पूड़ी और खीर, यानी खीर, पूड़ी और खीर। तो पूड़ी और खीर तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ और पूड़ी और खीर तो बना रही है ननद जी, और मैं बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ। तो अभी तो सभी लोग चले गए हैं लेने के लिए। बता दे कौन आ रहा है आप सभी लोगों को। तो आ रही है मेरी छोटी वाली भाभी, जिनको लेने के लिए गए हैं लड्डू, गए हैं परी, गई हैं आशीष, गए हैं और मम्मी जी गई हैं और मेरे हब्बी जी गए हैं। घर पे कोई नहीं था तो सब चिल्लर पार्टी भी गए हैं लेने के लिए उनको। और मैं, वो लोग जा रहे थे, गाड़ी वाड़ी भी आया था भाई, फोर व्हीलर आया था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और फिर आएंगे, अभी जब ये बन रहा है ना, पूड़ी बखीर बन रहा है, तो फिर मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? दिखाऊंगी नहीं, दिखा रही हूँ मैं अभी, तो दाल उबल रहा है आप लोग की तरफ। वो मेरे यहाँ दाल वाली पूड़ी बनती है, जब दुल्हन आती है तो दाल वाली पूड़ी। बात हो रही है गुजरात में, मतलब ये चने की दाल में गुड़ डाल के बनाते हैं, उसको पूरन पूरी बोलते हैं। यहाँ पे तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तलघुसरी पूरी बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं, चने की दाल को उबाल करके उसको मतलब आटे में भर के बनाया जाता है, हम लोग की तरफ तलघुसरी पूरी बोलते हैं, आप लोग की तरफ कौन सी पूरी बोलते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। अभी तो देखिए इधर दाल पिट्ठी, बहुत लोग, बहुत मतलब हर जगह का अलग अलग होता है भाई, भाषा अलग होता है, लैंग्वेज सबका अलग अलग होता है। तो देखिए इधर दाल भी उबल रहा है, एक मिनट, देख रहे हैं आप लोग, इधर दाल भी उबल रहा है अभी। और देख लीजिए, बड़ा मेहनत कर रही हैं, देवरानी जी आ रही हैं ना, उसी की खुशी है भाई, देवरानी जी आ रही हैं तो फिर ये गाएंगी, आज हुई मैं बड़ी, इसके आगे मुझे आता ही नहीं है। खाली बस सही से ही बैठ के हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे लोग। टाइम हो गया है, टाइम 4 बजने वाला है कि 3 बज रहा है, 3:05 हो रहा है, अभी देखते हैं लोग कब आते हैं। 1 घंटे पहले लोग निकले हैं, अभी तो फिलहाल पहुंच गए होंगे वहाँ पे। फिर वहाँ पे भाई आज तो सब आइटम पे आइटम लोग खाएंगे, फिर उधर से आएंगे हम लोग तो खाएंगे पूड़ी बखीर। तो आएंगे तो फिर आप सभी लोगों को दिखाएंगे आगे का कार्यक्रम। अभी तो फिलहाल अभी आटा गूंथ रही है, फिर पिट्ठी सिट्ठी पूड़ी उड़ी सब तैयार होगा तो आप सभी लोगों को दिखाएंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को दाल, आप लोग के यहाँ दाल वाली पूड़ी को क्या बोलते हैं, ठीक है? आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा एवरीवन, ठीक है? मैं यहीं पे हूँ, मैं अपने मम्मी के घर पे आई हूँ, तो आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। बस फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आप सभी लोगों को। फाइनली गाइस, हो गया है, दाल वाल हो गया है रेडी, अभी देख रहे हैं यहाँ पे सिल बट्टा पे रखा गया था। वो गुनगुनिया जो है ना, बहुत परेशान कर दी अपने मम्मी को, दाल नहीं पीसने दी, तो आधा वो पीस लिया, अभी अच्छा आधा चल रहा है हम लोग पीसने। और फिर मैं पूड़ी बनने के बाद मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अभी चल रही हूँ लाइव चलाने, ठीक है? लाइव चलाने से तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगी, लाइव तो बीच में बैक नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा। और मैं जब बन जाएगा खीर पूड़ी तो फिर मैं दिखाऊंगी। और मैंने अभी फ़ोन किया है भैया, तो अभी वहाँ पे चाय पकौड़ी चल रहा था, लोग आते आते हो जाएगा, शाम ही हो जाएगा, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा है। फ़िलहाल तो अभी चल रहे हैं दाल पीसने, दाल पीस के फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से बनने के बाद, और क्योंकि मैं भी चल रही हूँ लाइव चलाने, तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद। ओके,
कहीं जाइएगा नहीं, मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा आप सभी लोग, तभी आगे का प्रोसेस देख पाएंगे, ठीक है। ओके फाइनली गाइस देखिए पूड़ी और खीर भी बनना स्टार्ट हो गया। इसमें पक रहा है खीर, इधर बन रहा है पूड़ी, उधर थोड़ा बन भी गया है। इधर देखिए, इधर इसका मटेरियल है, इधर आटा भी रखा, इधर ये लड़कियाँ जो है ना, ये गाइस, ए गाइस, ए गाइस, ए गुनगुन पहले से करो, ए हाय गाइस, ए देखो आटा कहाँ चुराए है, देखो आटा कहाँ चुरा रही है, अरे बाप रे बारे लड़की, गंदी लड़की आटा। तो फाइनली गाइस इधर पूड़ी जुड़ी बन रहा है, अभी तो मेहमान आए नहीं है, हम लोग पूड़ी उड़ी बना के बस इंतजार ही करेंगे, अब इंतजार ही करना है। थोड़ा हाथ में चूड़ी था तो मैंने चूड़ी निकाल दिया, आप लोग ये मत कहिए मैंने चूड़ी उड़ी निकाल दिया, चूड़ी इसलिए निकाला, थोड़ा सा वो मखमल वाला चूड़ी था खराब हो जाता है इसलिए मैंने चूड़ी निकाल दिया। तो अभी आप लोग देख ही सकते हैं पूड़ी उड़ी बन रहा है, तो फिर बनने के बाद आप सभी लोगों को दिखाएंगे, और मेहमान आएंगे तो फिर दिखाएंगे आप सभी लोगों को, ठीक है ना। तो कहीं जाइएगा नहीं आप लोग, मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। भैया फाइनली आ गई हैं दुल्हन, देख लीजिए गाड़ी वाड़ी आ गई है, खड़ी हो गई है गाड़ी। अरे चलिए दुल्हन से मिलाते हैं आप सभी लोगों को। उतारा बदे हया ना हया का बोलो उठा ला ज्यादा ठीक है, लात लाती दुल्हन उतरा लाइन हो है, उतारी पानी पकड़ा है पकड़ा, दुल्हनिया आ गई हैं। अब दुल्हनिया को पकड़ के नहीं लेके चलना है, अब दुल्हन भाई जानी पहचानी है ना, अब घर अपना पहचान ली है तो बस चलेंगे, ठीक है। दुल्हन हाय 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 तैसे देख लीजिए, तैसा का हो, अरे दुल्हनिया घूंघट की तरह से देख रही है। देखिए जेठानी जी लेके चल रही इनका भैया समय ही नहीं हो रहा था, देख लीजिए आप लोग देख सकते हैं, 8 बज गया, 8 बजे दुल्हन आ रही है। नंदोई जी बैग वैग लेके आए हैं, अंदर भी ला दीजिए, सूटकेस लेके आए हैं नंदोई जी, नंदोई जी है भाई। इस बार फलाने फंस गए हैं, इस बार कोई साथ देने वाला नहीं था भैया, इस बार फंसे हुए हैं। और वो कौन लेके आएगा, बोरा ले, चलिए नहीं लेके आएंगे, मैं इनके पीछे चल रही हूँ ना कैमरा लेके, उठाइए जरा उठाइए जरा उठा उठाइए जरा, ये साइड हो बेटा, हाँ तो भैया आज फाइनली नंदोई जी मिले हैं बड़े मौके से, शादी में तो विश्वनाथ भैया थे और दो जन भैया थे वो बोरी उठाने वाले, आज तो इनका पसीना छूट गया देखिए बोरी उठाने में। गए थे भाई सरहज को लिवाने लेके आए हैं, हालत हो गया एकदम खराब। देख रहे हैं इनके चेहरे से पता चल रहा है, अभी आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो देखिए गाइस यहाँ पे तो रख गया है पूरी और खीर, अभी तो दुल्हन भैया अपना साज बाज कर रही हैं, अभी अपना सामान सब व्यवस्थित कर रही हैं, तो ये भी जरूरी। और चलिए मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा सामान जो इनके घर से आया है वो लेके हम लोग चल रहे हैं गांव में देने के लिए, जैसे कि यहाँ पे देते हैं हम लोग पूरी और खीर, तो उसी पे ये जो सारा सामान आया ये भी सब लेके जा रहे हैं। इधर इनको भी चैन पड़ नहीं रहा है, इनको ये मेरे बीरन भैया हैं, इनको चैन पड़ नहीं रहा, ये भी फोन में लगे हुए हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, ये आएंगे 11 तारीख को। तो अभी ये लग गया है गाँव में, चल रहे हैं हम लोग थोड़ा देने, फिर देख के आते हैं, तो आप सभी लोगों से मिलते हैं, आप सभी लोग कहीं जाइएगा नहीं, मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, अभी मिलते हैं बस।
थोड़े देर में तो ये सब सारा आइटम आया हुआ है। बाकी वहाँ उसमें रखा है लाई, चना, बादाम, नमकीन, ये इंतन है, दौरा है, और बाकी आटा के आटा और चावल उधर रखा गया है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं देने के, अभी चल रहे हैं थोड़ा गांव में बांट के आएंगे, फिर आप सभी लोगों से मिलेंगे। आप सभी लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। ये देखिए स्टोर रूम भैया बना हुआ है, टाइल्स वाइल्स लगा है, टाइल्स लग के स्टोर रूम बना हुआ है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं देख के आ रहे हैं, तो फिर आप सभी लोग से मिलेगा, कहीं जाइएगा नहीं आप लोग। तो फाइनली गाइस सब सारा काम वाम हो गया है ख़त्म, और हम लोग भी खाली हो गए, गए थे बांटने के लिए पाहुर, तो पाहुर बांट के हो गए हैं खाली, और अब चल रहे हैं हम लोग खाना खाने। टाइम भी बहुत हो गया है, समय हो गया है 10 बज गया है अभी, तो काफ़ी लेट मतलब लोग आए भी थे और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो अब बस खाना पीना खा के हम लोग सोएंगे, और फिर मैं आप वीडियो को यहीं पे बंद कर रही हूँ। फिर मिलूँगी आप सभी लोगों से एक नए ब्लॉग में, नए ब्लॉग के साथ फिर मैं आऊँगी। तो आप सभी लोग मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, प्यार, आशीर्वाद दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पे कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग, और मेरे वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट।